Okay. दोस्तों, जैसे आपने देखा यहाँ कि 6-7 महीने से नहीं, लगभग 1 बरस से लोधा जी यहाँ आए हैं और उन्होंने आगे ये 10 एकड़ का कंपाउंड होने के बावजूद भी उनको आगे सिर्फ एक आधा 1.5 एकड़ के ऊपर काम करने का परमिशन मिला है और उस परमिशन के तहत हम सभी टेनेंट लोग को यहाँ ड्राई आउट करने की हजारों कोशिशें की जा रही है। हम लोग प्रशासन के सभी डिपार्टमेंट, चाहे वो SRA हो, चाहे MCGM हो, चाहे वो महारेरा हो, MMRDA हो, पुलिस हो, सभी के पास जाके, कि यहाँ तक कि BJP के कुछ लीडर लोग के पास भी जाके आए हैं, लेकिन सबका कहना यही है कि वो लोधा जी है, पालक मंत्री है और BJP के बहुत बड़े नेता है, उसके तहत वो जो करेंगे उनको अब कुछ नहीं कर सकते। हम लोग ये होने नहीं देंगे। लोधा जी का कल ही मैंने एक वीडियो देखा है घाटकोपर में, शायद उनके बिरादरी के आदमी लोग के साथ, तो उन्होंने कसम खाई है कि मैं जूता नहीं पहनूंगा और दाढ़ी नहीं करूंगा। हम तो ऐसी कसम खाते नहीं, लेकिन हम भी ये कहना चाहते हैं कि हरचंद कंपाउंड में, कल ही उनका स्टेटमेंट देखिए कि मेरी अवकाश जो बनी है वो सिर्फ पब्लिक के तरफ देती है, तो जरा यहाँ आके देख लीजिएगा कि पब्लिक की हालत क्या हो रही है। और आपका बेटा, बेटे के नाम पे आप ये बिजनेस कर रहे हैं, माइक्रोटेक डेवलपर, एवरग्रीन प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, रियर फॉर्च्यून प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाया गया है बहुत ही परमिशन न होने के बाद में। कौन से फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट करके परमिशन मिली है हम जानते हैं, फिर भी हम आपके सामने आ नहीं रहे, आपके आड़े नहीं आ रहे, लेकिन आप तो आज हमारे इतने सारे 500-600 वर्कर के रोजी रोटी पे आए हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम इस वीडियो के थ्रू हम आपको एक चेतावनी दे रहे हैं कि ये बहुत हो गया। हम BJP के फैन हैं, मोदी जी के फैन हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आड़े आप कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ महिलाएं हैं जिनके सबका पानी टूटा है घर में, उनको एक बार खाली वॉशरूम की जाने का आधा होता है, शाम तक कंट्रोल करना पड़ता है, और ये आपके बेटे के थ्रू हो रहा है और आप चुप्पी साध के बैठे हैं, आप चुप्पी साध के बैठे हैं, आपको ये सब बात पता है। आपके जितने भी आदमी लोग यहाँ हर दिन कम से कम 2 या 3 बार गुंडे लेके आते हैं हमारे ऊपर दबाव डालने के लिए कि ये जगह खाली करो, ये जगह खाली करो, वो भी उनके शर्तों पे। हम 50-60 बरस से यहाँ धंधे कर रहे हैं, हमारी पूरी 2 पीढ़ियां यहाँ गई है, 600-700 वर्कर है हमारे पास, ये देख लीजिए इतने सारे वर्कर है और ये आधे भी नहीं है, क्योंकि ये खाली 10 मिनट में हमने कॉल दिया तो 10 मिनट में इतने आ चुके हैं, कई कई मालिक लोग बाहर है। क्या उनको ये देखा नहीं जा रहा है? क्या यही हमारे अच्छे दिन आने वाले थे? क्या यही BJP चाहती है? प्राइवेट कंपाउंड है, हद इतनी हो गई है कि कोई एक डमी आदमी के तरफ से इस कंपाउंड के खिलाफ दर दिन कम से कम म्युनिसिपैलिटी में 4 से 6 शिकायत होती जा रही है कि ये इलीगल बोरिंग वाटर है, ये इलीगल धंधे करते हैं वगैरह वगैरह, और म्युनिसिपैलिटी के ऑफिसर हमको हर दिन आके सता रहे हैं, हमारे ऊपर हजारों केस किए गए, फिर भी हम ये सह रहे हैं। पानी का तो यह हद हो गया, किसी एक जाहिल ने उनको शिकायत की है, हमने अभी तक 10 बार शिकायत की है कि यहाँ 4 बजे के बाद में खड़े नहीं सकते, इतने मॉस्किटो है, गंदा पानी जो कंस्ट्रक्शन का निकलता है वो एक कंपाउंड में छोड़ा जाता है, वो हमारे बेसमेंट में घुसता है, बेसमेंट ढीली हो रही जा रही है। 3 बरस पहले माफी चाहता हूँ, हाईकोर्ट ने निर्णय दिया है, राजेश बिल्डर ने यहाँ जो गैर कानूनी ताड़तोड़ की है उसका छानबीन करो और उसको रिस्टोर करो, उस कोर्ट की बात की भी सुनी नहीं जा रही है। कारपोरेशन और SRA एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं और चुप्पी साधे बैठे हैं। हमने हजारों शिकायतें करके हुई है, कम से कम 6 बॉक्स फाइल हो चुकी है, लेकिन ये बिल्कुल बाज नहीं आ रहे। मराठी में सांगतो याला सत्तेचा माज म्हणतात, सत्तेचा माज। BJP के लीडर के पास जाते हैं, पुलिस के पास जाते हैं, SRA के पास जाते हैं, तो प्राइवेटली सभी अफसर यही बोल रहे हैं कि अरे वो तो बहुत लीडर है ये। सिर्फ 2 दिन में बाकी सब बिल्डर लोग के जूते घिसते हैं 3-3 महीने में सब परमिशन लेने के लिए। इनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, ये कैबिनेट मिनिस्टर है, पालक मंत्री है, इसके तहत इन्होंने गैरकानूनी काम चालू कर दिया था, कारपोरेशन ने उनके ऊपर कार्रवाई की और कार्रवाई से बचने के लिए SRA में गए और SRA में सिर्फ 2 दिन में इनको सभी परमिशन मिले हैं। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमें ऐसा ड्राई आउट करना, ये सब हथकंडे गंदे, गंदी राजनीति की, पानी काटकर आदमी लोग को सताया जा रहा, उनको ड्राइव काट जाएगा, ये कौन सी राजनीति है? मैं तो कहता हूं कि पंतप्रधान जी ने भी हमको यही अच्छे दिन देने वाले हैं क्या? यही अच्छे दिन है? हमने आपके ऊपर बहुत विश्वास किया प्रधानमंत्री जी, बहुत विश्वास किया है और आज भी विश्वास है, लेकिन ये विश्वास आप तोड़ना नहीं चाहिए। आपके जितने भी नीचे मंत्री है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट अभी आपकी है,
जरा उनको बोलिए कि इसके पे जाके ध्यान दीजिए क्या हो रहा है। ये प्रशासकीय सभी अधिकारी वैसे तो खुले में बोलते बिले आम, जब भी उनके गुंडे आते, म्यूनसिपलिटी हमारे यहाँ है और पुलिस यहाँ है और एसआरए पीछे के घिसे में है, ये तरीका हो गया। हम छोटे मोटे धंधे करने वाले हैं, चुपचाप बैठते हैं, जाने दो हमें धंधा करना है या हमको इनसे झगड़ा करना है। लेकिन अब ये बहुत हो रहा है, बर्दाश्त के बाहर हो रहा है। पुलिस ने बोला था कि जैसे थो वैसे थो, डिस्कनेक्ट किया गया पानी 8-10 दिन पहले। हम लोग कारपोरेशन, एसआरए, पुलिस, राजकीय मंत्री सबके पास जाके आए, कोई भी इस बात का दखल नहीं ले रहा है, कोई भी इस बात का दखल नहीं रहा है। और आज नौबत यहाँ तक आई है कि उन्होंने वो पंप बाहर निकाला और वो बोरिंग पंप के अंदर मिट्टी और पत्थर डाल के उसको पैक किया गया। ये बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घृणास्पद एक्ट है। मैं मोदी जी को और लोधा जी को इस वीडियो के तरफ हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, सर बहुत हो गया। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए हम कम बहुत सारे आदमी लोग को जॉब देते हैं और आप लोग का ये है कि मेक इन इंडिया, ये तो डिस्ट्रॉय करने को निकले छोटे छोटे इंडस्ट्रीज को, छोटे छोटे इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करने को निकले है। मैं चाहता हूं कि सभी प्रशासकीय अधिकारी, चाहे वो एसआरए हो, चाहे वो एमसीजीएम हो, एमएमआरडीए हो, महारेरा में हो, महारेरा के पास भी कल हम लोग गए थे, बिना कुछ कागजात सबमिट किए, और जो भी कागजात सबमिट किए वो सब गलत है। महारेरा के अधिकारों को दिखाने के बाद में प्राइवेटली वो बोलते हम क्या करें, ये क्या हो रहा है। हमें ये लोकशाही नहीं थी अभिप्रेत कि हमारा ऐसा गला दबा जगह पानी बंद करके बिजली तक काट दी गई है, इलेक्ट्रिक पंप की बिजली काट दी गई है और इलेक्ट्रिक पंप बंद कर दिया गया है जिसे पानी हमको मिलता था पूरे कंपाउंड को। ये कहीं तो रुकना चाहिए। मैं इस वीडियो के माध्यम से प्रसार माध्यम, सरकार और यहाँ तक भी सेंट्रल गवर्नमेंट को गुजारिश करता हूँ कि आप लोग इसमें ध्यान देना जरूरी है। अजमाना बंद कर दो लोधा जी, अजमाना बंद कर दो हमें को, हम गरीब हैं, छोटे छोटे धंधे वाले, मैं जानता हूँ। और आप वहाँ चुप्पी बैठे हैं, आपके पास पहुँचने के लिए हमने बहुत कोशिश की, जैसे मालूम पड़ता है कि नहीं ये लोधा जी का मैटर है तो सब बीजेपी वाले बीच में चुप बैठते हैं। अजमाना बंद करो, धन्यवाद। और किसी को बोलना है तो मैं चाहता हूँ कि आगे आके बात करो। मुझे ये बताइए कि आम आदमी जाए तो कहाँ जाए, कोई भी डिपार्टमेंट समझो कहीं से भी रिस्पोंड नहीं करता है, तो मेरे हिसाब से क्या करना चाहिए ये भी हमको बताइए। हम लोग छोटे उद्योग वाले, छोटे लोग, एमएसएमई है, हम लोग को सपोर्ट करना चाहिए उसकी जगह पे। हम लोग को हर ठिकाने पे तकलीफ ही तकलीफ है। अभी लास्ट एक साल से ऐसे कर रहे हैं कि आप लोग यहाँ से भागो, कैसे भी करके भगाने का कोशिश कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना चलता है। इनको कुछ ना कुछ प्रॉपरली एक्शन लेके काम करना चाहिए। ये हमारी महिला उद्योग जग है, इनके पिताजी के तरफ से तभी से चल रहा है। सी इज द ओल्डेस्ट, 1960 से यहाँ बैठी है। इनको होते हुए भी इनको I2R मतलब इंडस्ट्रियल से रेसिडेंस कन्वर्ट करने को दिया गया। ये कैसे होता है? हमारा पूरा कंपाउंड है वो स्पेशल इंडस्ट्रियल जोन है, इसको कैसे बदली कर सकते हैं आप इंडस्ट्रियल टू, जब हम लोग यहाँ है। उसके बावजूद भी एसआरए ने इनको ये पूरा प्रोजेक्ट का प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है। जब भी हमने जाके शिकायत की तब जाके आगे का कंस्ट्रक्शन का परमिशन दिया है। आगे कंस्ट्रक्शन करो, रोड ब्लॉक करो, हमारे टेम्पो नहीं अंदर आएंगे, हमारे आदमी लोग नहीं अंदर है, कैसे धंधा करें हम लोग? इनको पूछिए उनका क्या हाल है, बारिश में उनका क्या हाल होता है। सर अब आपसे रिक्वेस्ट है कि हम लोग जब तक यहाँ पे है, इतने साल से हम लोग शांति से कंपाउंड में रह रहे थे, काम कर 1960, रहे थे। कभी से आपका? 1960 वो यंग देखिए, क्योंकि उनके पिताजी का इसे पहले से चल रहा है। रिक्वेस्ट है आपसे कि हमको जो भी दुविधाएं हो रही है यहाँ पे फिलहाल, तो उसके बारे में आप वो मैटर पे जरा ध्यान दे के उसको सॉल्व कीजिए। थैंक यू। लेडीज लोग का तो इतना प्रॉब्लम है कि हम लोग को सुविधाएं मिलनी ही चाहिए। मोदी जी आपने 9 करोड़ टॉयलेट बनाए हैं, यहाँ ये सब महिलाएं दिख रही है ना, ये सभी महिलाएं अपनी जो दैनिक विधि होती है सुबह करके आती है और शाम तक उनको कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि बाथरूम में पानी नहीं है। तो आप टॉयलेट बनाएंगे और बाद में उसके अंदर पानी काट देंगे, और अभी आपके प्रतिनिधि लोधा जी
ये एवरग्रीन प्रोजेक्ट जब से आया है, रेयर फॉर्च्यून प्रोजेक्ट आया है, बाकी सब फर्जी कागजात जमा करके उन्होंने परमिशन लिया, हमको उसमें जाना नहीं है, वो करते रहे। तो ये महिला है, सुबह विधि करके आती है और शाम तक उनको रुकना पड़ता है, कभी घर जाए क्योंकि बाथरूम में पानी नहीं है। कुछ कीजिए प्लीज।